हे फ्रेंड्स, सुबह चटोरी पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आए हैं एक बहुत ही बढ़िया सी जगह पे चाट खाने। जी हाँ, बहुत टाइम हो गया था क्योंकि जो हमारी सबसे पहली रिव्यूज़ वाली वीडियो थी वो हमने आपके साथ शेयर की थी, एक बहुत ही बढ़िया चाट जंक्शन की। लेकिन अब ये तो है नहीं कि सिर्फ एक ही जगह से चाट खानी है भाई, और अलग अलग जगहें हैं। तो आज एक और बहुत ही बढ़िया सा स्वाद आपके लिए लेकर आए हैं। और अगर मैं आज के स्वाद की बात करूं तो वो पिछली वाली वीडियो से एक पॉइंट ऊपर ही है, नीचे बिल्कुल नहीं है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि स्वाद की गारंटी यहीं मिलती है। Check the mic and make sure it sound right, boys. आज हम चाट खाने आए हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है, द चाट पॉइंट पे। और वाकई में मुझे यहाँ की चाट बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि आपको पता ही है कि बिना स्वाद चेक किए हम आपके साथ कुछ शेयर करते नहीं हैं। जी हाँ, तो अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो लोकेशन है सेक्टर 13 में, जो न्यू हाउसिंग बोर्ड है वहाँ की, जो मार्केट है न्यू खुराना बेकरी के साइट में, वहाँ पर भैया का ये प्यारा सा स्टॉल है। बहुत ही अच्छा है, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन की हुई है। और अब क्या करेंगे, अब करेंगे टेस्टिंग हमारी बढ़िया वाली चाट की। तो चलिए, टिक्की देख लो भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। और जो दही की क्वालिटी है वो सबसे अच्छी लगी मुझे। और ये चुकंदर जो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन चाट के ऊपर अच्छे लगते हैं। तो फटाफट से टिक्की को टेस्ट करते हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, और टिक्की इतनी कुरकुरी और इतनी अच्छी है ना, और टिक्की के अंदर जो स्टफिंग है, माइंड ब्लोइंग। मतलब मज़ा आ रहा है चाट खा के, बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी चाट खाने को मिली है। तो अब आ चुकी है हमारे भल्ला पापड़ी की बारी। खूब ठंडे ठंडे भल्ले हैं। ओह माय गॉड, इतनी सर्दी में मतलब ठंडे ठंडे भल्ले, माय गॉड मज़ा ही आ जाएगा। भल्ले बहुत ही सॉफ्ट हैं और खूब अच्छे से फ्राई किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कुछ कच्चापन हो। और पापड़ी भी, और जैसा कि हमने भैया से जब बात की थी तो उन्होंने बताया कि पापड़ी भी वो घर पे बनाते हैं, तो आपको हाइजीन की भी पूरी गारंटी है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, चाट बिना गोलगप्पे के तो इनकम्प्लीट है। टेस्ट करते हैं गोलगप्पे। पानी बहुत ही बढ़िया है भैया का, खट्टा और मीठा मिक्स करके लिया है ये मैंने, जो बैलेंस है पानी का, इट्स वेरी गुड। अब आइए और गोलगप्पे टेस्ट लीजिए यहाँ के चाट। तो सनी ने आपको बताया कि बिना गोलगप्पे के उनकी चाट तो अधूरी सी ही है, पूरी नहीं होती। मतलब बंदे को जब तक गोलगप्पे ना मिले। और पता है, मतलब जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, ज़्यादातर क्या होता है, लेडीज़ को क्रेविंग होती है। मैं ये सोचती थी ये बंदा है या क्या है, ये ऐसे चार जनानियों के बीच में घुस के है ना अपने गोलगप्पे खाने के लिए तैयार रहता था। और मैं दो गोलगप्पे खा के साइड हो जाती थी, लेकिन इसके ख़त्म ही नहीं होते थे, इतना बड़ा चटूरा है। समझ रहे हो, जुबान चटोरी के पीछे के चटूरा कौन है? मैं नहीं हूँ, कोई और ही है, ठीक है। तो अब मेरी चाट किसके बिना पूरी नहीं होती, ये हम बातचीत करेंगे। लेकिन वीडियो में जुड़े रहना, घर मत चले जाना ये सोच के कि हो गया चाट ख़त्म। नहीं, अब हम बात करेंगे हमारे जो कॉन्टेस्ट चल रहा है उसके बारे में भी। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मेरी चाट इसके बिना पूरी नहीं होती है। ये हैं दही के भरवा गोलगप्पे, और ट्रस्ट मी गाइज,
बंदे के हाथ में जो स्वाद है ना, बहुत ही बढ़िया चाट बनाते हैं भैया। और जब से मैंने यहाँ की खाई है ना, मैं कहीं और जा नहीं रही। स्पेशली आप लोगों के लिए मैंने और भी बहुत जगह की खाई, भांत भांत की खाई, गंदी से गंदी खाई, बड़ी बड़ी नामी दुकानों की भी बेकार सी खाई, लेकिन इनके हाथ में बहुत ही स्वाद है। पहले मैं एक खा लूँ, फिर कॉन्टेस्ट के बारे में बात करें। गल जाएंगे ना, मज़ा नहीं आएगा, क्रंची क्रंची होते हैं ना। बहुत ही बढ़िया दही का, जो ठंडी ठंडी दही का मुंह में ब्लास्ट हो रहा है ना। वैसे मुझे दांतों की प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, लेकिन चाट के लिए कुछ भी होता है, चलता है। ठीक है, अब चाट तो मैं इंजॉय कर ही रही हूँ, और एड्रेस मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप लोग भी आना और इंजॉय करना। अब बात करते हैं हमारे कॉन्टेस्ट के बारे में। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बड़ा वाला थैंक यू कि आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हो, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मन करता है। घर पे बहुत सी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग चल पड़ते हैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्वाद ढूंढने, जैसे कि आज भी हम आपके लिए ढूंढ रहे हैं। और जो हमारे कमेंट करने वाले सब्सक्राइबर्स हैं, भाई क्या कर रहे हो, जो हमारे टॉप वन कमेंट करने वाले हैं ना, मैं नाम नहीं बता रही हूँ, बहुत आगे निकल चुके हैं यार। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। और बाकी सारे क्या सो रहे हो क्या, आप लोगों को वाउचर नहीं जीतना, कोई इच्छा नहीं है, हैं कितना पीछे रह गए हो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हम लोग बहुत थोड़े से सब्सक्राइबर्स पीछे रह गए हैं हमारे, जो हमारा क्या है 2K वाला एक हमने सेट किया था। पिछले हफ्ते में हमने इतने सब्सक्राइबर्स ऐड किए हैं कि मुझे लग रहा था कि होली तो निकल ही जाएगी, लेकिन नहीं, आप लोगों ने जो प्यार दिखाया है उसको अगर मैं पिछले हफ्ते के सब्सक्राइबर्स के हिसाब से एस्टिमेट लगा के चलूँ, तो अगर आप लोग ऐसे ही प्यार दिखाते रहोगे तो हम इसे विमेंस डे पे डिक्लेयर कर देंगे। एंड आई वॉन्ट इट यार, विमेंस डे के दिन किसी विमेन को अच्छा सा प्राइज़ मिल जाए, इसके ऊपर और कुछ नहीं होता। तो फटाफट से कॉमेंट और जल्दी जल्दी करो, अपने सर्कल में शेयर करो। ऐसा तो नहीं है कि मेरी वीडियोस बुरी होती है ना, अप्रिशिएट तो आप कर रहे हो, वीडियोस तो अच्छी होती हैं, मैं भी अच्छी बन के आती हूँ, अच्छा अच्छा बोलती हूँ, ऐसे ही अपना प्यार दिखाइए। और चाट तो एंजॉय कर ही रहे हैं हम लोग, तो कमेंट करिए फटाफट से। जो बाकी के लोग हैं, कुछ लोग और भी नए ऐड हुए हैं, मैं बताना भूल गई, वो लोग भी कमेंट कर रहे हैं, बट उनको मैं ये कहूँगी जो नए ऐड हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, क्योंकि जो टॉप वन सब्सक्राइब जो हमारा कमेंट करने वाले हैं वो बहुत आगे निकल चुके हैं, उसके साथ कॉम्पीट करिए ताकि मज़ा आए। ठीक है, तो आप लोग कॉमेंट करते रहिए, एज सून एज पॉसिबल जैसे ही हमारे 2K होते हैं हम करेंगे डिक्लेयर किसका टॉप कमेंट करने वाले का, और ऐसे ही ढूंढ के लाएंगे आप लोगों के लिए बहुत ही स्वाद की गारंटी वाले बढ़िया बढ़िया से टेस्ट। तो मैं करती हूँ इसे एंजॉय, गल रहे मेरे गोलगप्पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।